और अब आपको गाजा में जंग से हुई बर्बादी का अंक गणित दिखाते हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक फिलिस्तीन के 10,492 लोग मारे जा चुके हैं। अफसोसनाक ये कि मरने वालों में 4,281 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में 2,22,000 घर और इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। गाजा पर इज़राइल के हमले के बाद से अब तक 270 अस्पतालों, एम्बुलेंस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले हो चुके हैं। अब तक 192 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 56 मस्जिदें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इस दौरान 53 इमामों की मौत भी हुई है। गाजा युद्ध की कवरेज के दौरान अब तक 47 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। तो ये तबाही अब तक हुई है और इस तबाही को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी चिंताजनक होने वाली है। सचदेव सर, हमने ये आंकड़ा दिखाया अब तक की बर्बादी का, और हमास, हिजबुल्ला और हूती, ऐसा लग रहा है कि इस बर्बादी से कहीं कोई सबक लेने वाले नहीं है, बल्कि तीनों साथ आकर इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे कितनी तबाही होने वाली है? अगर इस आंकड़े को गौर से देखें तो लगेगा कि प्रतिदिन 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इज़राइल ने भी ये कहा है कि 300 से ऊपर उनके सिपाही मर चुके हैं, फौजी मर चुके हैं। 1400 लोग इज़राइल में मरे हैं, वो 7 अक्टूबर को, उनका आंकड़ा अलग है। और अगर गिने वेस्ट बैंक में तो वहाँ पर भी मरने वालों की तादाद तकरीबन 200 हो गई है। अब इन सब भयावह आंकड़ों से ये सबक मिलता है कि ये युद्ध अंत तक जारी नहीं रह सकता इसी तरह से, और इसमें शांति की आवश्यकता है। अब अगर इसको जोड़ें जो इजरायली सेना ने कहा है कि उत्तरी गाज़ा पर इनका कब्ज़ा है, तो वो एक तरह से उसका महत्व अपनी जगह है, क्योंकि उत्तरी गाज़ा से जो जनसंख्या के ज़्यादा जनसंख्या वाले इजरायली शहर हैं, तेल अवीव, एश्केलोन, जेरूसलम वगैरह, इनके ऊपर रॉकेट बरसाए जा सकते हैं, वो उनके सबसे करीब हैं। Right. तो लॉन्चिंग पैड हुआ करते थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं और रॉकेट इसलिए नहीं बरसाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना चाहूँगा कि एक मुहावरा है अंग्रेजी में, डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो होम। राइट, तो वो उस मुहावरे पर लगता है अमल हो रहा है सर। लेकिन डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो होम, ये बात आपने जरूर कही, लेकिन इस बीच आप क्योंकि पूर्व राजदूत हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे कि अमेरिका के इस बयान का मतलब क्या निकलता है, जहां गाजा पर कब्जे को देखते हुए अब अमेरिका इसके खिलाफ बयान दे रहा है, ये कहते हुए जहां एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जंग खत्म होने के बाद गाजा पर फिलिस्तीन का कब्जा रहे, इसका क्या अर्थ है? जी, इसका अर्थ मैं एक जटिल तौर पर लेता हूँ। इज़राइल और अमेरिका दोनों साथ हैं। राइट। लेकिन इस समय अमेरिका पर दबाव है अरब देशों का, तृतीय विश्व का और लोगों का, कि इज़राइल को किसी तरह से रोका जाए। तो इज़राइल इस तरह को मनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अमेरिका मध्यस्थ है, अमेरिका बीच में है, तटस्थ है, और इसलिए ये बयान दिया गया है ताकि अरब और मुस्लिम देशों की मिजाज पुरसी हो सके, उनको ये बताया जा सके कि अमेरिका फिलिस्तीन के मसले पर एक तटस्थ भूमिका निभा रहा है। और लेकिन इसके साथ ही अमेरिका का इज़राइल को मदद पहुंचाने का जो प्रोग्राम है वो जारी है, पूरी तरह से।